कसरावद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौकी खामखेड़ा के समीप ग्राम भूपाड़ा में करीब 7-8 रोज पहली पड़ी लाश के बारे में पता चली। आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। करीब 7-8 दिनों से पड़ी नाले में लाश को जानवरों ने नोचा। खामखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम हेतु भेजा है। खामखेड़ा पुलिस चौकी खामखेड़ा के अंतर्गत कमोदवाड़ा से भोपाड़ा के बीच मनोहर सिंह दरबार के खेत के पास नाले में खेत में मैड पर पेड़ लगाने पहुंचे किसान ने वहां नाले में बदबू आने पर अज्ञात लाश पड़ी थी, जिससे पुलिस चौकी खामखेड़ा सूचना पर चौकी प्रभारी पप्पू मौर्य, SI बाबूलाल वासकली मौके पर पहुंचे और लाश की शिनाख्त करके वही के फूफा लक्ष्मण ने झेगलिया, पिता सुरभान भील उम्र 30 साल निवासी पाढ़ूखाल हाल मुकाम भोपाड़ा बताया गया है। वही ग्रामीणों ने कहा कि फूफा लक्ष्मण लकड़ी बिनकर लकड़ी बेचता था। वही चौकी प्रभारी पप्पू मौर्य ने कहा कि करीब 7-8 दिन पहले पानी में लाश पड़ी थी। वही फूफा पिता लक्ष्मण मजदूरी का काम करता है, बहते पानी में नशे में गिरने से चोट लगने व जानवरों ने लाश को नोच डाला है, जिसकी विवेचना करके वह पूछताछ पर मृतक शराब पीने का आदि व मानसिक रोगी की अवस्था में घूमता फिरता रहता है। कसरावती से पैथा जाखर की रिपोर्ट।